वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउस टैक्स को लेकर। हाउस टैक्स की रसीद जब हमसे खो जाती है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, आखिर कैसे हम हाउस टैक्स को जमा करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको तरीका बताऊंगा हाउस टैक्स डाउनलोड करने का, आप ऑनलाइन किस तरह से अपना हाउस टैक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्कल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है enagarseva.up.nic, ठीक है। ये देखिए enagarseva.gov.in, ये आपको टाइप करना है, ठीक है। NIC वाला नहीं करना, आपको टाइप करना है enagarseva.up.gov.in। जब आप ये यहाँ पर टाइप कर लेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। दोस्तों, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ है, ये जो भी चीज़ें हैं ये सिटी के बारे में दिखाती है, गांव के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में नहीं दिखाती। और जब हाउस टैक्स हमें डाउनलोड करना हो तो हमको यहाँ पर आना पड़ता है। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें इसी वेबसाइट से ऑनलाइन होती हैं और इसी वेबसाइट से प्रिंट होती हैं। आपको अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और देखिए, यहाँ पर देखिए डाउनलोड एंड सर्च पर क्लिक करें और यहाँ पर अपने सर्च पर जाकर अपनी सिटी सेलेक्ट करें और अपनी यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करके कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन है तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट का है, अगर डेथ सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं किसी का तो डाउनलोड एंड सर्च पर क्लिक करें और यहाँ सर्च पर जाकर अपना सिटी सेलेक्ट करके डेट ऑफ डेथ, जब भी डेथ हुई थी वो डेट एंटर करके, आप कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट पर क्लिक करें तो आपका डेथ सर्टिफिकेट यहां पर शो हो जाएगा। तो ये दोस्तों नगर निगम की वेबसाइट है, बहुत ही काम की है। अब दोस्तों बात करते हैं हम हाउस टैक्स की, तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी टैक्स एंड बिल, आपको इस पोर्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सर्च प्रॉपर्टी, हाउस टैक्स बिल, वाटर टैक्स बिल, सीवेज बिल, अदर टैक्स बिल, टैरिफ रेट्स ऑफ टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा हाउस टैक्स बिल सेकंड नंबर पर, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप हाउस टैक्स बिल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए सिटी यहाँ पर जितने भी यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, अलीगढ़ है, अमरोहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर है आगरा, तो सपोज़ कीजिए हमें आगरा का हाउस टैक्स निकालना है, तो आगरा का हाउस टैक्स निकालने के लिए आपको आगरा पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आगरा पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये परमिशन पूछेगा अगले पेज पर जाने की, देखिए वेबसाइट ट्रांसफ़र पेज, तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगरा की नगर निगम की वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नगर निगम आगरा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आगरा की नगर निगम की वेबसाइट है ये ऑफिशियल। अब यहाँ पर आपको हाउस टैक्स डाउनलोड करने के लिए देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हाउस टैक्स पे ऑनलाइन न्यू, तो ये सर्विस अभी यहाँ पर लॉन्च हुई हैं, ये पहले नहीं थी। और सुनिए, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में अभी भी हाउस टैक्स ऑनलाइन की सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ को आप माइंड ना करें। अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो आने वाले टाइम में अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने ट्राई किया था तो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है यहाँ पर हाउस टैक्स डाउनलोड करने की। लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल हो चुका है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी नहीं है, तो आप इस चीज़ को माइंड ना करें। तो हाउस टैक्स पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए चार ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट वार्ड, दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है सेलेक्ट मोहल्ला और चौथा ऑप्शन है सेलेक्ट हाउस नंबर। तो दोस्तों यहां पर एक चीज और आपको बता दूं, कोई भी अगर मान लो प्लॉट है, कोई अगर 400 गज का प्लॉट है और अब इसमें से चार हिस्से हो गए तो वो बटा में आता है, लेकिन नंबर उनका जो स्टार्टिंग का नंबर है वो सेम रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना वार्ड सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर देखिए ताजगंज है, कोतवाली है, रकबगंज है, ये यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉक नंबर सेलेक्ट करना है। देखिए 38A, 38B, 38C, 38D, इस तरह से ये ब्लॉक नंबर होते हैं 1, 10, 11, तो आपको कोई भी ब्लॉक नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कोई भी ब्लॉक नंबर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस ब्लॉक में जितने भी मोहल्ले हैं, जितने भी एरिए हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये अलग अलग यहाँ पर मोहल्ले दिए हुए हैं, नंद बाज़ार, नंद बाज़ार पटकोला, गली पटीरम
और दुर्गा नगर, तो इस तरह से आपको अपना जो एरिया है वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं कोई भी मोहल्ला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाउस नंबर आ जाते हैं, तो ये यहाँ पर बटे में दिए हुए हैं। और अगर मैं कोई और सा एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर फिर हाउस नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आ गए हैं, 13/25/A। तो इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो नीचे इसकी सारी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर देखिए इसमें हाउस आईडी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, असेसमेंट डेट मिल जाएगी, कैलकुलेशन डेट मिल जाएगी, फॉर्म नंबर मिल जाएगा, टैक्स वार्ड नेम मिल जाएगा, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसका नाम भी यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ओनर नेम है भगवती प्रसाद सन ऑफ गरीबदास। तो देखिए ये ओनरशिप टाइप है, किस तरह की प्रॉपर्टी है यहाँ, देखिए रेजिडेंशियल, मोहल्ले का नाम भी यहाँ पर है, ब्लॉक का नाम भी यहाँ पर है, और टोटल रेंट एरिया इन स्क्वायर फीट ज़ीरो, रेंट पे इन्होंने 0 स्क्वायर फीट दिया हुआ है, और ये अपना एरिया इनका टोटल 600 स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हाउस टैक्स की, तो देखिए हाउस टैक्स ड्यू है यहाँ पर 1317 रुपये का। इसकी डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जाकर डिटेल्स भी देख सकते हैं। देखिए व्यू डिटेल्स पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए व्यू डिटेल्स पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 2010, 11, 11, 12, 12, 13 यहाँ पर सारे ईयर का यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि किस ईयर में इन्होंने कितना बिल जमा किया था, ठीक है। टोटल बैलेंस विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर कितना बचा हुआ है ये भी यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। यहाँ 145 रुपये इंटरेस्ट लगी है यहाँ पर, और ये टोटल मिलाकर 1357 रुपये इस टाइम इनका पेंडिंग है। अब क्या करना है आपको, आपको बैंक जाना है, बैंक जाकर आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। देखिए प्रिंट डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कोई पर्सन आया हुआ है हाउस टैक्स जमा कराने के लिए तो आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं इसका। देखिए जैसे ही हम प्रिंट लेंगे तो एक प्रॉपर यहाँ पर फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, इसका आप प्रिंट आउट ले लें और हाउस टैक्स अपना जमा करा दें। और अगर आप ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको चूज़ योर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और पेटीएम, ठीक है। आप किसी भी तरीके से आप यहाँ पर हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं अपना। जब हाउस टैक्स आप जमा कर देंगे, क्योंकि मेरा अभी पेंडिंग नहीं है वरना मैं आपको करके दिखा देता, हाउस टैक्स जब आप जमा कर देंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को प्रिंट लेकर आपको अपने डिपार्टमेंट में जाकर दे देना है और बोलना है कि हाँ मैंने हाउस टैक्स जमा करा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हम आसानी से सर्च कर सकते हैं, अपना जो हाउस टैक्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास यहाँ मोहल्ले और ब्लॉक का नाम आप डालना नहीं चाहते तो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर होना चाहिए, जो कि पिछले हाउस टैक्स बिल पर होता है। हाउस टैक्स बिल आपके पास हो तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नंबर भी मिल जाएगा, तो आप प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पर एंटर कर दें। आपको रिसिप्ट नंबर से सेलेक्ट करना है तो आप रिसिप्ट नंबर से भी यहाँ ढूंढ सकते हैं। आपको अपना टैक्स जानना है तो इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट की हिस्ट्री देखनी है तो आप इस तरह से हाउस नंबर डाल के अपने पेमेंट की हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं इसका अलर्ट, आप चाहते हैं इसका SMS आए आपके पास, जब भी आपका हाउस टैक्स रेडी हो, जब भी हाउस टैक्स कैलकुलेट हो आपका, तभी आपके पास मैसेज आ जाए, तो आप यहाँ पर गेट टैक्स अलर्ट पर क्लिक करके और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है इसका। ये देखिए यहाँ पर अपना प्रॉपर्टी नंबर और मेल ID और अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस एंटर करके सबमिट कर दें तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप UP के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप आसानी से हाउस टैक्स डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। उन डिस्ट्रिक्ट में भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसकी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप अपने नगर निगम में जाकर पता कर लेंगे, सर ये ऑनलाइन पेमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको बता देंगे आपके डिस्ट्रिक्ट का ऑनलाइन कब से शुरू हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट अलग होती है, अलग उसमें फंक्शन होते हैं, अलग उसमें ऑप्शन होते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना होगा। आप ये ना कहें कि मशहूर सर ने तो बताया था ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे, लेकिन ऐसे ऑप्शन आ ही नहीं रहे, क्योंकि आगरा की देखो वेबसाइट अलग है, अलीगढ़ की वेबसाइट अलग है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबकी वेबसाइट अलग होती है, तो उसमें अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करना है, और कॉमन सेंस का यूज़ करके आपको देखना है कि किस तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि हर वेबसाइट का वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा। इसलिए आप वेबसाइट पर जब पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा अपना हाउस टैक्स डाउनलोड करने का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।